जैसे अब हीट वेव कंडीशन चल रही है और सिरसा ज़िला हरियाणा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला ज़िला है। 40 साढ़े 48 डिग्री इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ टीबे ज़्यादा हैं, वहाँ राजस्थान के लिए वहाँ इससे भी ज़्यादा है, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, ये एवरेज टेम्परेचर है। और हमारे बिजली विभाग की कंजम्पशन 35 लाख थी और जो कल रिकॉर्ड हुई है 101 लाख है, 3 गुना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ चुकी है। 590 मेगावाट इस समय मेरा लोड चल रहा है और हमारी बिजली बिल्कुल सुचारू रूप से हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी कार्य करने लग रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने सारी बिजली, कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है, सभी 33 kV, 132 kV, 11 kV फीटर हमारे चल रहे हैं। हम एक निवेदन यह करना चाहते हैं कि लोगों ने AC बहुत ज़्यादा लगाई है, ये घर में 5-5 AC लगे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको चला के छोड़ देते हैं, अननेसेसरी ग्रिड पे लोड है। तो निवेदन यह है जहाँ काम चल सके कूलर से चलाएं, ज़्यादा ज़रूरी है तो AC को चला लो। मेंबर जैसे हर लड़का लड़की मम्मी पापा अलग अलग कमरे में सोते हैं अपने AC, उनको एक दो कमरों में सो जाए जब तक हीट वेव कंडीशन है, ताकि ग्रिड के ऊपर लोड कम पड़े, फ्यूज कम उड़े, ताकि हमारी भी व्यवस्था ठीक है। इवन दो कि 3 गुना ज़्यादा लोड पिछले साल के इस डेट के कंपैरिजन में बिजली विभाग इसको स्टेबल सिस्टम से चला रहा है बहुत ही, और दिन रात मेरे अधिकारी एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर एलोकेशन, एक्स्ट्रा मटेरियल हमने जुटा के सारे अधिकारी, और हमारे PC मीना जी का तो मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने हमें स्पेशल पावर दी है कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगा, और हेडक्वार्टर सारे अच्छी तरह उन्होंने डायरेक्शन दे के हमें फुल्ली एम्पावर्ड किया है। मीना जी का हम धन्यवाद करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, और जिलावासियों को आश्वासन देता हूँ कि हमारी बिजली बेहतर क्वालिटी का आपको मिलेगी हीट वेव कंडीशन में, और हीट वेव से बचें ताकि किसी भी प्रकार का जान माल का किसी का नुकसान ना हो। देखिए सिरसा के अंदर ये इस साल अनयूजुअल गर्मी है, गर्मी के अंदर हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत रहती है, ऐसे में मरीज़ को तेज़ बुखार, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब लक्षण रहते हैं। हमें इसके बचाव के लिए एक तो ये करना है कि हम जो गर्मी का टाइम है यानी कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक कम से कम निकलें बाहर, खुले कपड़े पहने, पानी, नारियल पानी लिक्विड का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है, और जब भी हम धूप में निकले तो छाता वगैरह लेके निकले, ये हम परहेज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी यही सावधानियाँ हैं कि उनको घर के अंदर रखें, धूप में खेलने ना दें, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक तो बिल्कुल ना निकलने दें। उसके बाद बच्चों को लूज़ कपड़े पहनाएं, AC या कूलर के नीचे रखें, और उनको पानी की मात्रा या कोई लिक्विड है, नींबू पानी है। अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 से 45 तापमान होना इस पर तो काम चलता है बढ़िया, अब हो गया 50 के करीब, तो इस वजह से घड़े में पानी भी थोड़ा कम ठंडा रहने लगे ना, तब करके डिमांड कम होगी, फिर कुछ घर से बाहर कोई आ नहीं रहा, बगामों से लोग आते हैं घड़े खरीदने के लिए, अब वो आ नहीं रहे, इस वजह से काम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया ज़्यादा भी। हाँ पहले काम बहुत बढ़िया था, पहले ये कोई माने चलो हफ्ता 10 दिन पहले काम बहुत बढ़िया था, डेली घड़े को 100-150 घड़े बिक जाते थे आराम से, अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया इससे गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, करो निकलो जी नहीं कर रहा है जी, गरीब आदमियों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, दिक्कत आ रही है इस गर्मी के बीच, कोई रात मिलन दिया तक तो कोई संभावना नहीं है, गर्मी का बस की करे जी गरीब आदमी, किस तरह जिस तरह से प्याज या नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं है जी, इन्ने तो हम साढ़े को पैसे है नहीं भी वो करिए, मुँह कपड़ा वगैरह, हाँ जी मुँह के गिला कपड़ा सिर पर लै रहे हैं जी।